हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट को लेके जैक ने जारी की है नई अधिसूचना। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। एडिट करने का दिया है डेट। चलिए, आपके मन में जो भी डाउट होते हैं कि क्या नोटिस दिया है जैक ने, क्या एडिट करने का ऑप्शन देगी या नहीं देगी, जो भी आपके मन में डाउट होते हैं सभी को क्लियर करने जा रहे हैं। अभी तक इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब इस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड अधिविद परिषद रांची यानी कि जैक के थ्रू नोटिस रिलीज किया गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2024 हेतु ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना जारी की गई है कि संशोधन करने की तिथि दे रही है या नहीं। जैसा कि मैं बता दूं, 30/2024 के माध्यम से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जैसा कि कल तक आप कर रहे थे ऑनलाइन, उक्त के क्रम में कई आवेदकों द्वारा परिषद के संज्ञान में दिया गया कि उनके द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय कुछ त्रुटियां की गई हैं और उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया जा रहा है। आवेदकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा संशोधन हेतु अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। संशोधन करने से संबंधित सूचना झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित करने की निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात की जाएगी। यानी कि अब आपका आ सकता है एडिट करने का ऑप्शन। चलिए बताते हैं और क्या बताया जा रहा है, जो कि एक अंतिम अवसर के रूप में देय होगा। इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में इससे संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि अपने आवेदन प्रपत्र को अंतिम रूप से सबमिट आवश्यक रूप से करेंगे। संशोधन की प्रत्याशा में अपने आवेदन प्रपत्र को अधूरा नहीं छोड़ें। अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात आपका आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। साथ ही सभी आवेदकों से यह भी अनुरोध है कि वे अपना आवेदन प्रपत्र आवेदन भरने के लिए मोबाइल, टैबलेट या आईपैड का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि आप अपना पेमेंट या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप फोन के थ्रू नहीं, आप सिस्टम या कैफे में या लैपटॉप से करेंगे, या फिर मैं बता देती हूँ मोबाइल में भी डेस्कटॉप मोड में करके कर सकते हैं। ये इसका बोलना जिम्मेवारी था। जैसा कि बता रहे हैं कि संशोधन करने की तिथि दी जाएगी। जैसा कि कल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप एडिट करने का ऑप्शन के चक्कर में फॉर्म को अधूरा न छोड़ें, पेमेंट करें, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब यहाँ पे तिथि खत्म हो गई है, यानी कि कल तक फॉर्म फिलअप करने का डेट लास्ट डेट था, उसके बाद कभी भी एडिट करने का ऑप्शन गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का त्रुटि हुआ है तो वहां पे एडिट करने का ऑप्शन देगी, और देगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगी, लेकिन आपका आवेदन कंप्लीट होना चाहिए। बाकी एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आते ही मैं अपडेट करा दूंगी। तो अभी तक इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।